अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड हेल्थ टिप्स। आज मैंने मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल से बिरयानी है ये, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो मटन लिया है, इसको वॉश कर लिया है। प्रेशर कुकर में हम डाल देते हैं। आधी कटी हुई प्याज डाली है मैंने, इसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डाल लेती हूँ और 1/4 कप पानी डाल लेना है हमें। 2 से 3 विजल ले लेते हैं इसके हम। एक और बर्तन में 150 ग्राम ऑयल डाल देंगे। दो से तीन मीडियम साइज की प्याज डाली है मैंने, इसको भी बारीक इस तरह से काट लेना है। अब हमें प्याज को हल्के से फ्राई कर लेंगे, ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है प्याज को। यहाँ पे प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गई, जब तक हम चावल को भिगो लेते हैं। लगभग मैंने 2 ग्लास चावल लिया है, ज़ीरा राइस लिया है। यहाँ पे 10 मिनट वॉश करके रख देंगे हम भिगो के इसको। प्याज लगभग ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गई। थोड़ी सी हम गार्निश के लिए निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर 4 चम्मच मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है, इसको भी भून लेना है हमें। छह हरी मिर्च ली है यहाँ पे मैंने। सौ ग्राम दही डाल लेना है हमें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे। 1 चम्मच भर के होममेड गरम मसाला लिया है यहाँ पे मैंने। अखा गरम मसाला नहीं यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे पाउडर डाला है होममेड गरम मसाले का। हम इसके अंदर कटा हुआ पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 टमाटर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। टमाटर को अच्छे से पका लेंगे हम। बहुत सी सिंपल बिरयानी है और ला खाने में भी बहुत टेस्टी है और लाजवाब है। ऊपर से मैंने 1 लेमन जूस डाल लिया है इसको। अब प्रेशर कुकर में मैंने बॉईल करके रखा हुआ मटन भी डाल लिया है इसके अंदर और अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए हम मटन को इसके अंदर रखनी में पकाने छोड़ देंगे। ये हमारी यखनी तैयार हो गई। एक और बर्तन में हम 5 से 6 ग्लास पानी डाल के रख देंगे। पानी बॉईल हो चुका, अब इसके अंदर चावल डाल देते हैं भिगोया हुआ। दो चम्मच नमक डाला है इसके अंदर मैंने, शाहजीरा 1/2 चम्मच और 1 तेज़पत्ता डाला है। अगर ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं इसको। केसरी कलर डाला है मैंने। 70% हम चावल को पका लेंगे इस तरह से। चावल लगभग पक चुका है हमारा 70% इसके अंदर। हम फ्लेम बंद कर देते हैं, चावल का पानी निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में। सारा पानी हम निकाल देंगे इसका। इस तरह से हमें सारा पानी इसका निकाल लेना है। छन्नी की मदद से भी निकाल सकते हैं आप,
यहाँ पे मैंने ऊपर से तेल निकाल लिया है इसका। ऊपर से सारा हम तेल निकाल देंगे अखनी का। अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं। इसके ऊपर हम चावल डाल देते हैं। थोड़ा सा हम मिक्स करने के बाद ऊपर से तेल जो निकाला था उसको डाल देते हैं। एकदम फ्लेम को हम लो कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर से गार्निश के लिए प्याज जो फ्राई की थी वो डाल देते हैं और पुदीना कटा हुआ फ्रेश डाल देते हैं। 10 मिनट दम होने के बाद ये हो गई हमारी बिरयानी तैयार एकदम लगभग। चावल भी हमारा एकदम खिला खिला है फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम आसान सी बिरयानी और लजीज और लाजवाब है। प्लेट में मैंने सर्व कर लिया है इसको, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।